बृहद भागवत अमृत नामक ग्रंथ में कहा है, भगवन मंत्र जप मात्रई नैव मुक्ति ही सुष्ठु सिद्ध्यति, कि भगवान के मंत्र के जप करने मात्र से जीवों को शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होती है। जिसको अंतर में मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं, जिससे मन तर जाए उसे मंत्र कहते हैं। भगवान मंत्र के जप से तुरंत मुक्ति मिलती है, इसमें शंका नहीं। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह किस काम का, जिस मुख नाही राम। कई ऐसे साधक साधिकाएं, कई ऐसे भक्त हो गए, संत महात्मा हो गए, जिन्होंने केवल भगवान के नाम रूपी धन को संसार में श्रेष्ठ माना, उसी का जप किया और उन्होंने अपना कल्याण किया। नाम जप में 6 बातें जरूरी है। एक तो गुप्त हो, अकाम हो, निरंतर हो, ध्यान सहित हो, आनंद से हो, आदर युक्त हो। अगर इतनी बातें जप में आ जाए तो वह भगवान का नाम जप भगवान को भी प्रकट करने की शक्ति रखता है। ये महिमा है जप की। जाप्यन्ति जयमाप्नोति, शिवजी ने कहा कि जप करने से विजय मिलता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय है। जप से बिगड़े काम बनते हैं। स्वास्थ्य मंत्र के जप से शरीर की बीमारियां मिटती है। जप करने से हाई बीपी लो बीपी मिटता है। जप करने से मनोरोग चिंता भय तनाव डिप्रेशन दूर होते हैं। जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम गुरु की या भगवान की दुआ कर सकती है, और कामिल समर्थ महापुरुष मिल जाए तो मुलाकात खुदा से हो सकती है। न जाने कितने लाख कितने करोड़ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको डॉक्टरों की दवाई से फायदा न हुआ, आशीर्वाद से फायदा हुआ, परिक्रमा से फायदा हुआ, जप से ध्यान से फायदा हुआ। ऐसे कई कई लोग देश विदेश में, कई ऐसे कि हम तो आत्महत्या करने जा रहे थे। सत्संग न मिलता तो हम आज जिंदे न होते। सत्संग न होता तो हम तो कर्ज में इतने डूब चुके थे कि क्या कहें। सत्संग न मिलता तो अभी हम तो इतने अपराध कर चुके होते कि जेल की हवा खा रहे होते। तो सत्संग ने बिगड़े जीवन को बनाया है। सत्संग ने निराशा के बादलों में आशा का सूरज की किरण दर्शाई। दीनहीन और दुखी जीवों को शाश्वत सुख का मार्ग दिखाया है। ये भगवान का नाम भगवान से भी 2 कदम आगे की ताकत रखता है। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कि भगवान के नाम की महिमा हम कहां तक गाएं। भगवान भी संसार में प्रकट होकर अपने नाम की महिमा गाने बैठेंगे तो पूरी नहीं गा पाएंगे। भगवान के नाम की इतनी भारी महिमा है।
नाम रसायन है, राम चिंतामणि है, भगवान नाम कल्पद्रुम है, भगवान का नाम भवरोग की रामबाण दवा है, भगवान का नाम आनंद और सुख को अपने ही भीतर प्रकट कराने का स्तोत्र है, भगवान का नाम की शक्ति क्या है हनुमान जी से पूछो, भगवान के नाम की शक्ति क्या है समर्थ रामदास से पूछो, भगवान के नाम की शक्ति क्या है उस शबरी भीलन से पूछो, भगवान के नाम की शक्ति क्या है मीराबाई से पूछो, भगवान के नाम की शक्ति क्या है वाल्मीकि से पूछो तो कहेंगे मैंने सीधा नहीं उल्टा लिया, रात छोटा और म लंबा हो गया, मरा 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 मरा, ओ वालिये लुटारा था, ओ वालिया लुटारा में से त्रिकाल ज्ञानी वाल्मीकि ऋषि होकर संसार में प्रसिद्ध हुए, उल्टे नाम की इतनी ताकत को सीधे नाम की कितनी शक्ति होगी सोचो, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ज मतलब जन्म, प मतलब पाप, जन्म और पाप दोनों से जो छुड़ा दे उसे जप कहते, एक अजपा जाप होता है, एक जप होता है वैखरी जोर जोर से बोलते, राम राम हरिओम हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह अभी हमने वैखरी जप किया जो सुनाई देता है बोला जाता है। दूसरा जप होता है मध्यमा, होठ चलते हैं और सुना नहीं पड़ता। तीसरा जप होता है पश्यंती, जीभ भी नहीं हिलती, होठ भी नहीं हिलते, हिले न जिह्वा होठ, अंदर ही अंदर चलता। और एक परा जप होता है, जप करते 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 जब सो जाते हैं पता नहीं चलता, इतना गहरा जप होता है कि रात को सोते समय भी जप चलता है, उसके रोम रोम से जप निकलता है। राम तीर्थ साधना करने बैठ मध्यरात्रि के समय 2:30-3 बजे होंगे, उनका अंगद सेवक था पूरन सिंह, जगा, देखा उस गुफा की भीतर कोई दिया जल रहा है, हल्की हल्की रोशनी दरारों से दिखाई दे रही है, साथ में ध्वनि भी आ रही है, ओम 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 ओम। उठे, आधी रात को ये क्या हो रहा है, भागे, गुफा 10-20 कदम पर होगी, देखा दरार से, देखा कि राम तीर्थ, तब नाम था प्रोफेसर तीर्थ राम, राम तीर्थ नाम बाद में पड़ा, वो तो सोए शायद, बैठे सोए पता नहीं, लेकिन चेहरा मुख होठ कुछ नहीं हिल रहे। दरवाजा खटखटाया, ओ तीर्थराम ओ तीर्थराम, दरवाजा खोलो, तन्नो की होया, दरवाजा खोला, की होया, बोले ओम 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 आवाज आंदा सी, ओम ओम आवाज आ रहा है, हाँ अच्छा, बोले प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, ओम ओम आवाज आंदा है ते मुस्कुरा रहे हो, बोले हाँ आज तक तो मैं तीर्थ राम था, राम को मैं जपता था, मुझे राम को जपने की जरूरत नहीं है, राम मुझे जपेगा,
अब राम मेरे अंदर बस गया, राम और मैं अलग अलग नहीं हुए। अब जहां राम जाएगा वहां तीर्थ हो जाएगा, तीर्थ राम नहीं आज के बाद राम तीर्थ। तो भगवान के नाम की शक्ति बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है, अपरंपार है। जो जपता है निरंतर उसे भगवत तत्व का अनुभव होता है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह किस काम का, जिस मुख नहीं राम। कोढ़ी हो, शरीर से पानी बह रहा हो, कोई ऐसी बीमारी हुई हो और शरीर जीर्ण शीर्ण रोगी एक तरफ, ऐसा कोढ़ी कुष्ठ रोगी जिसके शरीर में घाव पड़ रहे हो, मवाद निकल रहा हो, और एक तरफ ब्राह्मण हो, चंदन का तिलक किया हो, कस्तूरियां चमेली का इत्र छिड़का हो, स्त्री टाइट कपड़े पहने हो, लेकिन मुख में गुटका पान मसाला चबाया हुआ हो, और भगवान का नाम न बोलता हो, दोनों में से कौन सा बड़ा? कोढ़ी को नंबर ज्यादा मिलेंगे कि उस ब्राह्मण को नंबर ज्यादा मिलेंगे गुटखा खाने वाला, भगवान नाम से विमुख? तो बोले, जाति में तो ब्राह्मण जाति ऊंची है और शरीर में भी ब्राह्मण शरीर उत्तम है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण भी भगवान के नाम से विमुख है और वो कोढ़ी जो भगवान के नाम से युक्त है, तो महापुरुष उस कोढ़ी पर कृपा करेंगे और भगवान भी उसी पर कृपा करेंगे जो वो भगवान का नाम लेता है। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। Thank you.